यदि रेगिस्तानी क्षेत्र में सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन राज्य की सौर ऊर्जा नीति के अंतर्गत 1185 मेगावाट क्षमता की 108 परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी है तथा अब तक 436 मेगावाट क्षमता की 65 परियोजनाएं स्थगित हो चुकी है। शेष परियोजनाओं पर 13-14 में कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा, जिसके फलस्वरूप सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन क्षमता में राज्य देश में सर्वोच्च स्थान पर आ जाएगा। घरों में उपयोग हेतु सोलर एनर्जी सिस्टम की स्थापना के लिए लागत की 30% राशि केंद्र सरकार द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। घरों में सोलर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा भी सोलर एनर्जी सिस्टम की स्थापना पर 20% की दर से अनुदान देने की मैं घोषणा करता हूँ। वर्ष 2013-14 में 400 केवी के 220 एवं 132 केवी के 28 जीएसएस का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा तथा 220 एवं 132 केवी के 25 नए ग्रिड सब स्टेशन का कार्य भी शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 33 केवी के 400 नए सब स्टेशन की स्थापना किए जाएंगे। सुपर क्रिटिकल तापीय परियोजनाओं के उत्पादित विद्युत के निस्तारण हेतु अंता जिला भरा फाजी जिला जयपुर में 765 केवी के 2 ग्रिड सब स्टेशनों का 1,472 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य प्रगति पर है। तो वर्ष 2014 में इसे पूर्ण करना प्रस्तावित है। प्रसारण तंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु पीपीपी मॉडल पर 474 करोड़ की लागत की 2 परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है तथा 602